कलकत्ता से। सो यहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत टेक ऑफ। सो गाइस हेलो नमस्ते एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस कल मैंने जो वीडियो डाला था वो बहुत रात हो गया था, इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं डाला आप लोगों को, सो हाफ ही डाला था और उतने में भी वीडियो बहुत लंबा हो गया था। सो रियली सॉरी फॉर दैट। सो आज भी हम जाने वाला है, अभी तो बहुत देर हो चुका है, सुबह शाम के वक्त है। सो आज पनबू जो सेल्फी डाला है और पनबू व्यू पॉइंट वहाँ पर आज का पैराशूट लैंडिंग जो है शुरू हो चुका है पनबू टू जराईटार। सो हम भी छोरा देखने के लिए वहाँ पर गए हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते मैं आधा रास्ता आ चुका हूँ, मेरा घर वहाँ पर है और मैं ये रास्ता ओके इधर आ चुका हूँ। और यहाँ से एक भैया बाइक लेके जा रहे हैं, तो मेरे को भी चांस मिलेगा तो मैं भी उसमें चल के जाऊँगा। गाइस चलिए यहाँ से राइडर और दिखाते जाएंगे आप लोगों को। पैराशूट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर जगह है जो यहाँ से पैराशूट स्टार्ट फ्लाई करते हैं, टेक ऑफ करने का यहाँ पर जगह है और लैंडिंग करने का जगह आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नीचे वाला हिस्सा। लेट हो गया तो जल्दी आने के सोचा था पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो यहाँ से टेक ऑफ और नीचे लैंडिंग। और आज मेरे साथ आने वाला प्रेमता एक है और नाम गिला हेलो। हे गाइस यहाँ पर जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होता है, सो ये फिलहाल ही आज ही शुरू हुआ है सेल्फी डारा व्यू पॉइंट में जो पनबू में है। सो आज से शुरू हो चुका है, तो फिर सी का कोई हमें पता नहीं, पर यहाँ से आज पूरा स्टार्टिंग हो चुका है। सो गाइस हम आ चुके हैं एंट्री पॉइंट में और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं ये सेल्फी डारा का, इसलिए बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अभी तक। सो मौसम उतना साफ नहीं है, आगे तक देख सकते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर ठंडा बहुत है, तो आप लोगों का आते वक्त याद करना चाहिए कि बड़ा जैकेट लेके आइएगा। तो हवा भी ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर। पहले दिन की जो पैराशूट टेक ऑफ था, तो आज पहले टेक ऑफ में बहुत सारा लोग आया था तो देखने के लिए। सो आज फ्री भी था बोल रहा था, तो हम लोगों को चांस नहीं मिला। हम सुबह आते तो हम कुछ ट्राई कर लेते,
पर बाद में आया, अभी शाम हो चुका है सो हम कुछ देख भी नहीं पाया, पैराशूट कैसे उड़ाए क्या किया कुछ भी देख नहीं पाया। सो हुआ था वो यहाँ पर सतिया आगे हुआ था, तो मे भी प्रोग्राम यहाँ हुआ था होगा शायद। जहाँ पर प्रोग्राम हुआ था वो है जहाँ पर आज का उद्घाटन समारोह यहाँ पर हुआ है पैराशूट के। तो यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर आप आके यहाँ पर सेल्फी खींच सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो सब लोग। यहाँ पर देख सकते हैं सब टूरिस्ट लोग, तो यहाँ पर आके सेल्फी खींच रहे हैं। और यहाँ का सेल्फी पॉइंट यहाँ का लोग कहाँ से? हम कलकत्ता से। सो यहाँ कोर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत टेक ऑफ था पैराशूट। आप लोगों को कैसा लगा? आप फुल फैमिली आए हो यहाँ पर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू गाइस, देख सकते हैं डस्टबिन डन लग गया। सो गाइस यहाँ पर पहले से बहुत डिफरेंट हो चुका है, सकते हैं डस्टबिन भी लगाना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं पनबू का जो यहाँ का सोसाइटी है और जो यहाँ का कम्युनिटी है, सो उन लोगों ने यहाँ पर डस्टबिन भी यूज़ करने के लिए लगा दिया है। आगे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा लंबा, सो मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर, आप लोगों को वीडियो भी दे चुका हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो हमारा टाइम है यहाँ पर आने का। काम तो छैन ए मिस्टर, अभी तक किदार था तू रास्ते में ना आया, फोन गरेको उठा बाहर निकाल। सो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही था, सो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो एक नया न्यूज़ था आज पैराग्लाइडिंग जो पनबू में स्टार्ट हुआ, सो एक ग्रेट न्यूज़ है हमारे लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस कल का जो पेंडिंग वीडियो था जो डांस का, सो कल आएगा। सो आज के लिए सो इतना ही गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।